आपको बहुत बहुत स्वागत है टेक बिलाम में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक न्यूज़ चिराग। इस वीडियो में हम देखने वाले और जानने वाले कैम स्कैनर, जो कैम स्कैनर रिमूव्ड फ्रॉम प्ले स्टोर। तो भाई कैम स्कैनर को जो है, ये ऐप है जो जिसमें आप किसी भी तरह से फोटो क्लिक करके उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, वो जो है अब प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। अब क्यों रिमूव कर दिया गया भाई? तो उसका रीजन ये है क्योंकि ऐसा ऑथर उसके अंदर में ऐसे मालवेयर सॉफ्टवेयर पाए गए या ऐसे कोडिंग पाई गई है इस ऐप के अंदर में, जिससे कि अनऑथराइज तरीके से वो ऐड पे क्लिक किए जा रहे थे। तो भाई ये अनऑथराइज तरीके से जो है इस पे ऐड पे क्लिक होने के कारण ऐसा मालवेयर इस पे डिटेक्ट हुआ है, और डिटेक्ट होने के बाद में इस ऐप को जो है प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसके जो है 100 मिलियंस ऑफ डाउनलोड थे, मतलब 100 मिलियन, मतलब 1-2 मिलियन भी नहीं थे, 100 मिलियन डाउनलोड थे। और उसके अंदर में इस तरह की चीज पाए जाने के बाद में कैम स्कैनर जो ऐप है, जो कंपनी है, उसको भी बड़ा झटका लगा। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आप सर्च करेंगे, तो आपको अभी सिर्फ कैम स्कैनर का जो लाइसेंस वर्जन है वो बस देखने को मिलेगा, और उसका जो भी चार्ज है उसको चार्ज देने के बाद में ही आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो फ्री वर्जन था वो वहां से डिलीट कर दिया गया है। और मैं जैसे कि आपको बता रहा था, तो अभी जो है कैम स्कैनर की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे साथ में जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो कि कनेक्ट कर रही थी मोबाइल ऐप के साथ में, जो एड एजेंसी कनेक्टेड थी जिसका नाम है एड हब, तो उसके ऊपर में उन्होंने ऐसा बोला है कि उनकी तरफ से ऐसा जो है कि कोर्ट यहाँ पे डाला गया था, ऐसी उनके तरफ से ऐसी खबर आई है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, क्या वापस ये ऐप जो है वापस आता है कि नहीं आता है प्ले स्टोर में, क्योंकि 100 मिलियन जो है डाउनलोड थे, काफ़ी बड़ा बिजनेस इनका जो है इससे चलता था, और अब जो है उनको एक बहुत बड़ा झटका इससे लगा हुआ है। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप ज़रूर कमेंट में करके हमें बताइए। और दोस्तों इसी तरह के टेक्निकल न्यूज़ के लिए, टेक्निकल अपडेट के लिए बने रहिए टेक विला में।